गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा पैनिक है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। पैनिक क्यों है? बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स, आपको पता है कि जो कम्युनिटी का फीडबैक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हम सब लोग अटैच हैं तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय भी करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ फेस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस भी हमें इस टेक्नोलॉजी की वजह से मिल रही है। तो बहुत सारे लोग स्टेक नहीं कर सके, मैंने हालांकि कल टाइम बढ़ाया भी था कि चलो कंपनी के एंड से इश्यूज चल रहे हैं, लोगों को जो उनके रिवॉर्ड्स पहुंचने थे वो नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा था कि वो स्टेक नहीं कर पा रहे थे। 18th वाली जो भी हमारी रीस्टेकिंग की फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आई कि कोई 1,72,00,000 विड्रॉल्स थे। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी। और इन 3 साल के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन यही, पहली दफा इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो हिस्ट्री में पहली दफा आई। तो अभी तक लोगों के विड्रॉल्स क्लियर नहीं हुए, तो लीडर्स और बहुत सारे दोस्त जो हैं, इवन के अली भाई, ये अपने टीम के मसाइल लेके मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे कि भाई वो स्टेक नहीं कर सके, उनको रिवॉर्ड नहीं मिल सका। तो खैर, ये बड़े प्यारे भाई हैं मेरे और इनकी माशाल्लाह चमकती हुई जो चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अब डिसाइड ये किया है कि कल मीटिंग से पहले विड्रॉल्स आपको पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पहुंच गया लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो रीस्टेकिंग की ऑप्शन बंद हो गई है। तो कल जो 28th की एक मिशन इनोवेशन मीटिंग है, तो उस मीटिंग से पहले तक ये आपकी ऑप्शन दे रहे हैं हम दोबारा से रीस्टेकिंग करने की। इस दौरान जितने लोगों को रिवॉर्ड्स पहुंच गए, जो रीस्टेक कर सकते हुए कर लिया, कंपनी इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि हर स्ट्रेटजी के पीछे, हर कंपनी की पॉलिसी डिसीजन के पीछे बैकग्राउंड पे पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। तो ये जो हम टाइम एक्सटेंड करें, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमारी स्ट्रेटजीज में चेंज आ रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स में चेंज आ रहा है, डिस्टर्बेंस है, लेकिन सेंटिमेंट्स आप लोगों के, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स, और मेरे भाई रोने वाला था अभी लेकिन मैं कहा कोई बात, मैं कुछ करता हूं। तो सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये कल मीटिंग तक की ऑप्शन दे रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि इसके बाद बस खत्म, और जिसका लगना हुआ, जिस आप नसीब की बात है ना, जो लगा सकता हुआ, जिसको रिवॉर्ड पहुंच गया, जिसने स्टेक कर लिया, उसके नसीब में है भाई, नसीब की बात है यहाँ पे। अब जो कर लेगा उसका अपना नसीब, जो रह जाएगा उसका अपना नसीब, इसमें कंपनी मजीद आपको वो नहीं दे सकती सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से इसको एंजॉय करें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस भाई, फटाफट अपने नसीब को चालू करो और फटाफट एंजॉय करें रिवॉर्ड को। थैंक यू।